एवरीवन, तो मैं आज यहाँ पे आई हूँ मेरी कुछ क्रिएटिविटी आप सभी को दिखाने के लिए। तो मेरे पीछे जो आप पर्दा देख रहे हैं, ये वाला वाइट वाला, तो इसका एक्चुअली है ना कि ये थोड़ा सा फीका फीका मुझे लग रहा है, तो मैं चाहती हूँ इसमें कुछ टसल ऐड करो और कुछ अपना क्रिएटिविटी इसमें करो। क्योंकि मैं एक ऑनलाइन एक कर्टन देखी थी टसल वाला, तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है और वो मेरे बजट से बहुत बाहर है। तो मैं सोची क्यों ना इसे मैं अपने ही सस्ता सुविधा जुगाड़ लगा लूँ। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, चलिए मेरे साथ बने रहिए और देखिए। टसल बनाने वाला ऑलरेडी मैं शॉर्ट्स में डाल चुकी हूँ कैसे टसल्स बनाते हैं, तो आप उसको ज़रूर से देखिएगा। तो मैंने अपने भाई की मदद से यहाँ पे छः रंग का टसल्स मैं बना ली हूँ और मुझे कम से कम 6 घंटा लगा। थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लेके मैं और मेरे भाई ने इसे कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब इस टसल को हम जल्दी से उस पर लगाते हैं, कटर्स पे लगाते हैं और उसका न्यू लुक मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो बने रहिए। टसल लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं देख लूंगी कि कौन सा टसल को किस जगह पे अरेंज करके मैं देखूंगी कि कौन सा कलर के साथ कौन सा ठीक दिख रहा है, और उसके अकॉर्डिंग मैं एक बार अरेंज करके देखूंगी और उसके बाद मैं इसको फिक्स करूंगी। माइक यूज़ नहीं करने पर मेरा पूरा वीडियो पे, जहाँ जहाँ मैं माइक यूज़ नहीं की हूँ वहाँ पर पूरा मेरा आवाज़ गायब हो गया है, तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, सॉरी फॉर दैट। मतलब मेरे आवाज़ को उस जगह पे, मतलब उस चीज़ के लिए इग्नोर कर दीजिए, एंड हाई वॉल्यूम में अगर सुनेंगे तो मेरा आवाज़ ज़रूर आप तक पहुंचेगा, और ऐसे में आवाज़ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी ये अरेंज करके देखती हूँ सारा टसल्स को कि कौन सा रंग कैसे बैठ रहा है, अच्छा दिख रहा है कि नहीं, और दिख रहा है तो एग्जैक्ट मुझे ही अच्छा दिख रहा है कि मेरे भाई को भी अच्छा दिख रहा है, उसे अच्छा दिख रहा है, मतलब हाँ अच्छा सच में दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर सारा अरेंज करके देखती हूँ, फिर अब मैं साइड लगा के देखूँगी कि हाँ सही में अच्छा दिख रहा है कि नहीं, कैसा है कैसा नहीं। तो मुझे मेज़रमेंट का कुछ भी नॉलेज, मतलब मुझे आइडिया नहीं मिल रहा था कि मैं हैंड से मेजर करूँ या क्या से, तो फाइनली मैं ये बॉक्स ले लेती हूँ, पेन का बॉक्स है, तो जो मैं इसी में टसल्स बनाई थी राउंड कर करके, तो इसी से मैं मेज़र करने लगी और डिस्टेंस बना बना के उसे रखने लगी। अब मैं उसी के अकॉर्डिंग इसे स्टिच कर दूँगी। तो पहले मैं सोची कि क्यों ना मैं सुई सूता से ही उसे टाका लगा दूं, मतलब बांध दूं, लेकिन फिर मैं देखी कि बहुत सारा ऑलरेडी ऊन थोड़ा छोड़ा गया है, तो इसे मैं ऐसे ही डायरेक्ट बांध सकती हूँ। तो मैं कैंची की मदद से थोड़ा सा
कट लगाई और फिर मैं उसको डाल दी अंदर। देन मैं रियलाइज़ करी ये कॉटन का होने सॉरी नेट के होने के वजह से ये आराम से बाहर अंदर बाहर हो सकता है, तो कोई कट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद मैं जितना भी करती हूँ वो मैं कैंची की मदद से थोड़ा सा ऊन को पार कर लेती हूँ कपड़ा के आर पार, और फिर मैं वैसे ही बांध देती हूँ, कोई कट नहीं लगाती हूँ। तो मेरा भाई थोड़ा सा हेल्प कर दिया कपड़ा पकड़ने में, और फिर मैं डायरेक्ट उसको मेज़र करके वो बॉक्स से मैं मेज़र कर रही हूँ, उसका डिस्टेंस मेज़र करते हुए मैं डायरेक्ट उसको बांधते चले जा रही हूँ अपने भाई के मदद से। तो इसे बनाते बनाते हम दोनों बहुत मजाक मस्ती भी किए और मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई, और इसी तरह करते करते हमारा एक साइड कंप्लीट हो गया। और हम तो ये देखिए, तो देखिए जिस तरह से हम लोग एक तरफ ऑलरेडी हम लोग लगा चुके हैं, और देखिए कैसा लग रहा है। अब इसी तरह से हम लोग दूसरी ओर भी करेंगे, सेम लेंथ पे सेम कलर का टेसल्स लगाएंगे। तो देखिए दूसरी तरफ, और फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। चलो, तो पहले मैं सोची कि मैं वैसे ही बॉक्स रख रख के करूं, लेकिन फिर हम सोचे कि कैसे किया जाए, तो हम अलग अलग टेक्निक लगाए। लास्ट में हम क्या किए कि हाँ, हाफ फोल्ड कर दिए उसे, और उसके अकॉर्डिंग उसके सीधे सीधे हम लगाने लग गए, तो वो एग्जैक्ट जगह पे लग गया और ये ख़त्म हो गया। और मेरे पति देव भी आ चुके थे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, बोलने लगे। तो मैं उतना ऊंचा पहुंच नहीं पाऊंगी, तो इसलिए मैं अपने भाई को ही बोली कि थोड़ा सा इसे लगा दो, तो वो अभी कर्टन्स लगा रहा है, फिर आप देखिए। तो हमारा ये है फाइनल लुक टसल वाले टसल कर्टन का। तो ये बहुत ज़्यादा जो वायरल हुआ था, फाइनली मैं इसे 150 रुपये में बना दी हूँ, रेडी कर ली हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।